नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। कच्ची दाबेली बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और ये हम सबको बहुत पसंद आती है। आज मैं आपको कच्ची दाबेली का जो मसाला है उसकी रेसिपी सिखाने वाली हूँ। ये मसाले की वजह से दाबेली बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है। तो चलिए दाबेली का मसाला बनाना शुरू करते हैं। दाबेली का मसाला बनाने के लिए हम जो मसाले हैं उसे रोस्ट कर लेते हैं। मैंने 1/4 कप साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून दगड़ फूल जिसे ब्लैक स्टोन फ्लावर कहा जाता है। गरम मसाले बनाने के लिए दगड़ फूल का उपयोग किया जाता है। 1 टेबलस्पून लौंग, 1.5 टेबलस्पून इमली, ये इस मसाले का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इमली डालने से ये मसाले में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैं आंच को शुरू कर देती हूँ और सारे मसालों को धीमी आंच के ऊपर सेक लेती हूँ। जब भी आप खड़े मसाले सेकिए तभी हमेशा उसे धीमी आंच के ऊपर रोस्ट कीजिए, इससे मसालों का फ्लेवर और बढ़ जाता है। आज मैं आपके साथ में जो दाबेली का मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो हमारे कच्छ का बहुत ही फेमस दाबेली का मसाला है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं इसमें दालचीनी डाल देती हूँ, इसको मैं ऐसे हाथों से तोड़ देती हूँ। जब मसाले थोड़े सेक जाएं उसके बाद ही हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। करीबन 1 मिनट हो चुका है और मसाले अच्छे से सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं जो धनिया है वो भी उसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ। मैंने 4 टेबलस्पून सिलोनिस खमन लिया है, उससे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं आंच को शुरू कर देती हूँ और इसे मैं धीमी आंच के ऊपर रोस्ट कर लूँगी। करीबन आधा मिनट रोस्ट करने के बाद में जो हमने सिलोनिस खमन डाला था उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और मसालों को ठंडे कर लेती हूँ अब ये मसाले थोड़े ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इसे मिक्सी के जार में ले लेती हूँ। मैंने सारे मसालों को मिक्सी के जार में ले लिया है। जब भी आप मसालों को पीसें तभी मसाले हमेशा थोड़े से गर्म होने चाहिए, तभी ही आप उसको पीस लीजिए। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। हमें मसालों को लगातार नहीं पीसना है, पल्स मोड के ऊपर ऑन और ऑफ करते हुए पीसना है। मसाला थोड़ा ग्राइंड हो चुका है। अब मैं मिक्सर के ढक्कन को खोल लेती हूँ और एक बार हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे वापस ग्राइंड कर लेती हूँ। हमें मसालों को पल्स मोड पे ऑन और ऑफ करते हुए पीसना है। अब मैं मिक्सी का जार खोल लेती हूँ और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार मिर्ची का नाप कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर जिसे सूंठ पाउडर भी कहा जाता है, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून घर की पीसी हुई चीनी। अब मैं सारी सामग्री को चर्न कर लेती हूँ। मैं सारे मसालों को पल्स मोड के ऊपर पीस लेती हूँ। मैं जार को खोल देती हूँ और अभी हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं वापस एक बार पीस लेती हूँ। हमारा मसाला ग्राइंड होके तैयार हो चुका है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसका मसाला दिखाती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ये तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारा मसाला ग्राइंड होके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आगे की इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 चुटकी सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ। सिट्रिक एसिड जिसे नींबू का सत्व भी कहा जाता है,
ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसे डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मसाला बहुत ही लंबे समय तक अच्छा रहेगा। हमारी एक चुटकी में आए हमें उतना ही सिट्रिक एसिड डालना है। 1 टेबल स्पून साबुत चीनी, कच्ची दाबेली के मसाले में पीसी हुई चीनी और साबुत चीनी दोनों का उपयोग होता है। 3.5 टेबल स्पून तेल, आप इसमें कोई भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप इस प्रकार के मसाले तैयार करें तभी उसमें शिंग तेल का उपयोग ना करें, बाकी आप कोई भी ऑयल इसमें ले सकते हैं। मैंने इसमें सनफ्लावर ऑयल लिया है, मैं हमेशा सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ करती हूँ। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब हमारी सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए तभी हमें इसमें 1.5 टेबल स्पून सिलोनीस खमन डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नारियल का चूरा हमें एकदम आखिर में डालना है। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, हमारा दाबेली का मसाला तैयार हो चुका है। आप इस मसाले को अगर आप बाहर रखना चाहते हैं तो ये 1 महीने तक अच्छा रहेगा और फ्रीज में करीबन 6 महीने तक ये अच्छा रहता है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर बंद करके स्टोर कर सकते हैं। हमारा दाबेली का मसाला तैयार हो चुका है, इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। दोस्तों, जो बाहर मार्केट में मिलता है दाबेली का मसाला, बिल्कुल वैसा ही मसाला घर पे हम तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं जब भी ये मसाला घर पे बनाती हूँ तभी मैं इस प्रकार से एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर देती हूँ और ये डब्बे को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। दोस्तों, आप ये मसाला जल्दी से घर पे बना के तैयार रखिए। आगे मैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ इस मसाले का उपयोग करके सिखाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।